नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग थ्योरीज ऑफ इंटेलिजेंस एडवोकेट द प्रेजेंस ऑफ जनरल इंटेलिजेंस जी एंड स्पेसिफिक इंटेलिजेंस एस। जी एंड एस थ्योरी किसने दिती? ठीक है, साडे को हुण चार थ्योरीज है इहदे विच दित्तियां गईयां। ब्रीफ विच असीं उह थ्योरीज लर्न कर सकते हां, एक एक करके थ्योरी नूं लर्न करदे हां। सब तो पहला मेरे ख्याल च याद रखने लई कि थ्योरीज जिहड़ियां फैक्टर थ्योरीज है, पहला इह दसदा कि इंटेलिजेंस दीयां थ्योरीज जिहड़ियां हन ਇਹ ਦੋ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਸਟ ਹੈ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀਜ਼, ਇਹ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਹੈ ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਥਿਊਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੋਗਨੇਟਿਵ ਥਿਊਰੀ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਫੈਕਟਰ? ਇੱਕ, ਵਨ, ਓਕੇ ਰੈਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਵਨ। ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਟੂ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ, ਫਿਰ ਆ ਗਿਆ ਮੈਨੀ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ, ਮਲਟੀ ਫੈਕਟਰ, ठीक है। फिर आ गया सेवन फैक्टर थ्योरी, फिर आ गए वर्नर दी हायरार्की, ठीक। उस तो बाद आ गए सोई। मेरे ख्याल विच एक सिंगल फैक्टर थ्योरी जिद विच जी जनरल, जी फॉर जनरल, छोटी जी है याद रखना है, वड्डी जी ग्रुप नो रिप्रेजेंट कर दी है, ठीक है। फिर आ गई जी ते एस फैक्टर थ्योरी, ठीक। फिर आ गई मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, किन्ने फैक्टर हैं? अनलिमिटेड, अनलिमिटेड, ठीक है। फिर आ गई सेवन फैक्टर है, एक दो तीन चार पांच छः सात, ठीक है। फिर आ गई 120 फैक्टर, 120 तो डिटेल हुई सी, 150 ते 180 नाउ, ठीक। ए थ्योरी किसने दिती? बिने, ठीक। ए थ्योरी किसने दिती? स्पीयरमैन। ए थ्योरी मल्टीपल थॉर्नडाइक अनार्किक थ्योरी भी जिस कहते हैं, ठीक। सेवन फैक्टर थर्स्ट ऑन, वर्नन हायरार्की, ग्रुप फैक्टर थ्योरी, सॉरी इस ग्रुप फैक्टर थ्योरी कहा जाता है, वर्नन नहीं हायरार्की थ्योरी, वर्नन, ठीक। सोई थ्योरी गिलफर्ड, ਸਾਡੇ ਪੇਪਰ ਸੈਟਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੈਸੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੋ ਕਿ ਆਰਡਰ ਇੱਕ ਦੋ ਅਨੰਤ ਸੱਤ ਹਰਾਰਕੀ ਤੇ ਸੋਈ, ਠੀਕ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਇੱਕ ਦੋ ਮਲਟੀ ਤੇ ਸੱਤ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੋੜੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲੀ ਥਿਊਰੀ ਵਰਨਰ ਦੀ ਹਰਾਰਕੀ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਸਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਕੰਬਾਈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰਹੇਗਾ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਫੈਕਟਰ ਜਿਹੜੀ ਲੇਟੈਸਟ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ, ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਵਰਲਡ ਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਈ ਸੀ ਸਟਰਕਚਰ ਆਫ ਇੰਟਲੈਕਟ ਗਿਲਫਰਡ ਦੀ, ਇਹ ਫੈਕਟਰ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿਊਰੀ ਬਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਬਰੀਫ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ, ਅਸੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਫਸਟ ਹੈ ਬਿਨੇ ਸਾਈਮਨ, ਤੁਸੀਂ ਬਿਨੇ ਦਾ ਨਾਮ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਅਕਸਰ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਆਵੇ ਤੇ ਬਿਨੇ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਫਾਦਰ ਆਫ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਬਿਨੇ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਫਸਟ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਟੈਸਟ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1905 ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਟੈਸਟ ਕਿਹੜਾ ਸੀ? ਵਰਬਲ ਟੈਸਟ ਸੀ, ਉਹ ਟੈਸਟ ਮੈਂਟਲੀ ਜੋ ਰਿਟਾਰਡਡ ਬੱਚੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਆਨਸਰ 5-7 ਕੁਐਸਚਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਜੋ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੀ ਥਿਊਰੀ ਵਿੱਚ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਮੈਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਸੀਂ ਮੈਥ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਚੈਸ ਖੇਡਣੀ ਹੈ, ਡਿਬੇਟ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਹੈ, ਡਰਾਇੰਗ ਹੈ, ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹੈ। ਜੀ ਫੈਕਟਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦੀ ਜੇ ਜੀ ਹਾਈ ਹੈ, ਜੇ ਜੀ ਹਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਥ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
सारिया एक्टिविटी लिए इक्वली कंट्रीब्यूट करेगी, वो मैथ विच भी बच्चा अच्छा होएगा, चेस विच भी अच्छा होएगा, डिबेट विच भी अच्छा होएगा, साइंस विच भी अच्छा होएगा, ड्राइंग विच भी अच्छा होएगा, क्रिकेट विच भी अच्छा होएगा। ठीक, असि ओही एक्टिविटीज नु सामने रख के स्पीयरमैन दी टू फैक्टर थ्योरी समझ सकते हैं। टू फैक्टर थ्योरी लिए ये डिजाइन बहुत अच्छा है। सेंटर विच जी जो जनरल फैक्टर है, जनरल मीन ओ एबिलिटीज जेडिया दुनिया दी डेली एक्टिविटीज या दुनिया का कोई भी काम करने लिए जरूरी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल परसेप्शन है, देख के मीनिंग बनाना है, ये जनरल एबिलिटी है। ठीक, दूसरिया स्पेसिफिक एबिलिटी है, वो अनलिमिटेड है, जी एक है और एस अनलिमिटेड है। एस की है जिन्निया एक्टिविटी है, कोई विशेष काम करने लिए। हुन देखो S1 केड़ा पा इथे रखिया है, इथे मान के चल रहे हैं S1 मैथ है, मैथ करन लई सॉल्व करन लई कुछ विशेष एबिलिटीज चाहिदियां हन, जेडियां एबिलिटीज S2 करन लई शायद ना चाहिदियां होन, जेडियां एबिलिटीज शायद S3 ली डिबेट लई ना चाहिदियां हन। फॉर एग्जांपल इदे विच कम्युनिकेशन है, लैंग्वेज है, फ्रेज है, एडियम्स है यूज करने, लॉजिक नो समझना, लॉजिक इथे भी हो सकता है। अच्छा, जो कुछ एबिलिटीज हैं वो क्रिकेट ली, ड्राइंग ली, साइंस ली वखरियां चाहिए हन। सो ये जिन्निया लाइफ दिया डिफरेंट एक्टिविटीज हन जिन्हां दी नेचर एक दूजे तो डिफरेंट है, उन्ने ही एस फैक्टर ने। सो इंटेलिजेंस की परिभाषा वो की करते हन स्पीयरमैन, इंटेलिजेंस इज जी जनरल फैक्टर प्लस एस वन एस टू एस थ्री एस फोर एंड अनलिमिटेड। ठीक, होर जरूरी गल्लां जेड़ियां शायद हजे पेपर सेटर ने क्वेश्चन लिए सोचियां नहीं है, लेकिन अगले पेपर इस तरह सोचे जाने हैं। फॉर एग्जांपल एच क्यों लिखा है, एच मतलब के हेरिडिटी ज्यादा जनरल फैक्टर विच हेरिडिटी इन्फ्लुएंस कर दी है, इट मीन जी जेड़ा लेवल है जनरल इंटेलिजेंस लेवल वो अकॉर्डिंग टू स्पीयरमैन चेंज नहीं हो सकता, जबकि एस जो है वो एनवायरमेंटल ज्यादा फैक्टर है। एनवायरमेंट मीन को तुसी एजुकेशन दे के, अच्छा बुक्स दे के, अच्छा इंटेलेक्चुअल एनवायरमेंट दे के, उसनु कोचिंग दे के, ट्रेनिंग दे के उसनु चेंज कर सकते हो, इंक्रीज कर सकते हो। दूसरा ए स्पेसिफिक इंटेलिजेंस नु मैं एप्टीट्यूड भी कहता है, एप्टीट्यूड दी जेकर परिभाषा पूछनी होवे ते स्पेसिफिक इंटेलिजेंस ही है। स्पेसिफिक इंटेलिजेंस मीन किसी विशेष लाइफ दी एक्टिविटी या प्रोफेशन विच सक्सेस हासिल करने लिए जेडी विशेष एबिलिटीज चाहिए हैं। ठीक है, ये वही गल कर रहे हैं। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, इंडिविजुअल डिफरेंसेस, एस विच जो एस फैक्टर है, फॉर एग्जांपल मैथ, मैथ एक बच्चे ते दूसरे बच्चे दे विच डिफरेंस एबिलिटी होएगा, मैथ दा क्रिकेट खेलने दा फर्क होएगा, डिबेट दा फर्क होएगा, ये इंटर इंडिविजुअल डिफरेंसेस एस फैक्टर विच भी है ते जी फैक्टर विच भी होंदा है। जी एक दा बच्चे दा दूसरे बच्चे दा नहीं मैच करदा होएगा, मीन इंटर इंडिविजुअल डिफरेंस एस ते जी दोनों विच है, लेकिन जी फैक्टर विच इंट्रा इंडिविजुअल डिफरेंस नहीं होंगे। इंट्रा मीन के मेरे नाल फर्क, क्योंकि फैक्टर ही एक है, इसलिए इंट्रा डिफरेंस इंडिविजुअल डिफरेंसेस जी फैक्टर नाल नहीं पाए जाते। यूजीसी लेवल का क्वेश्चन है, तो शायद ना पूछा जाए, जे नहीं पूछा जाएगा तो बहुत सॉरी, क्योंकि मैं कोई वो नहीं हाँ कि सारे सही क्वेश्चन तुहानू दस दवा, मैं तुहाडे सामने सही जे यूजफुल नॉलेज रखने की कोशिश कर रहा हाँ। तीजी थ्योरी है ई एल थॉर्नडाइक की थ्योरी, याद रखना है कि थ्योरी कित्थों आई है, उन्हां दी ट्रायल एंड एरर लर्निंग की थ्योरी जेड़ी तुसी कीती है, आपां पिछे कीती है, दूसरा वीडियो अलग तो उसदे तुसी देख सकते हो, बॉन्ड थ्योरी, इंस्ट्रूमेंटल थ्योरी या कनेक्शनिज्म। ठीक, वो ओही है जो कैट ते उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया सी। दूजी गल, ये मल्टी फैक्टर थ्योरी है, फैक्टर ये मल्टी नॉट, दिस इज नॉट मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी। मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी गार्डनर की थ्योरी है, पिज़ा थ्योरी है, जिदियां 8 या 9 इंटेलिजेंसेस ने
जिहड़ी प्रेजेंट मोस्ट पॉपुलर वर्ल्ड विच थ्योरी चल रही है एजुकेशन विच, ओह गार्डनर दी थ्योरी है जिसनों असी बिस्मिल्ला ये नेचर करके याद किया होया है पिछले वीडियो विच। मल्टी फैक्टर पहली थ्योरी एक फैक्टर सी, फिर कहिंदी दो फैक्टर है, कहिंदी अनंत कोई अंत नहीं है, किन्ने फैक्टर ने उसनों किदां देखना है। असी पहला ये देख लेने हां कि ये सारी थ्योरी शायद जे तुहानूं याद है इस विच की है कि बिल्ली नूं भुखा रखिया जांदा है, ये जो अपरेटस बनाया होया है बाहर उस लई फिश रखी हुई है जो बहुत इंटेंस है, तो बिल्ली की करती है इधर उधर मूवमेंट करती है लेकिन बड़ी देर बाद बाय चांस इस नूं टच कर देती है। ठीक है, हुण ए स्टिमुलस है, ए जड़ा लीवर है स्टिमुलस है, इस दा इस नूं टच करना, एक मिनट पेन ले लिए नाल, इस दा ए बिल्ली दा सॉरी ए जड़ा इस नूं टच करना है ए रिस्पांस है, आर लिख लेने ओके। ए जेड़ा लीवर है, ए लीवर है, ए स्टिमुलस है। ठीक है, इना दोना दे विच कनेक्शन, कनेक्शनिज्म है ना थ्योरी दा नाम, कनेक्शन बन गया। कनेक्शन किदा बनिया, एक्सपीरियंस दे नाल। बिहेवियरिज्म दी थ्योरी है एनवायरमेंट ते जोर देगी कि हेरिडिटी नहीं, एनवायरमेंट ना चेंज हो सकता है, तो जिस तरह के एक्सपीरियंस दिते इस नूं बार बार बिल्ली नूं इस भुखी नूं इत्थे रखिया गया, हौली हौली उस एरर घटांदी गई, एरर घटांदे हुण दी फिक्सेशन हो गई है, जदों भी इस पिंजरे विच उस नूं बंद कीता जांदा है ते उस दा इस स्टिमुलस ते इस स्पेसिफिक रिस्पांस आ जांदा है। ठीक, स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन, स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन, यही थ्योरी है, यही बिहेवियरिज्म दा फंडामेंटल है कि स्टिमुलस रिस्पांस कनेक्शन ते कोई भी आवे उसदा उह बिहेवियरिज्म विचों ही है। बिहेवियरिज्म दा बेस की है कि स्टिमुलस ते रिस्पांस दा कनेक्शन। ठीक है, लेकिन वो पावलोव ने, हल ने, गुथरी ने, थॉर्नडाइक ने, इन्होंने वक्रे वक्रे तरह थोड़ा थोड़ा दसिया है लेकिन सारे स्टिमुलस रिस्पांस ते ही बेस करते हैं। हुण इह जिहड़ा स्टिमुलस ते रिस्पांस दा कनेक्शन बन गया है, बॉन्ड बन गया है, एसोसिएशन हो गई है, ਉਹ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਕਿੱਦਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਿਊਮਨ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਬਿੱਲੀ ਦੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ, ਨਿਊਰੋਨਸ, ਉਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੈਸੇ ਹਿਊਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 100 billion ਨਿਊਰੋਨਸ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਚ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਥਿਊਰੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ 3 ਮਹੀਨੇ ਪ੍ਰੈਗਨੈਂਸੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਨਿਊਰੋਨਸ ਡਿਸਟਰੋਏ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਸਟ੍ਰੈਸ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਿਊਰੋਨ ਡਿਸਟਰੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਇੰਡੀਅਨ ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਛ ਯੋਗਾ ਟੈਕਨੀਕ ਨਾਲ ਨਿਊਰੋਨਸ ਬਣਨੇ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ। ਇਸ ਤੇ ਸਾਇੰਸ ਤੇ ਆਯੁਰਵੇਦ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਚਲੋ, ਇਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਨਲਿਮਿਟਿਡ ਨਿਊਰੋਨਸ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਦੋਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਿਸੇ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸ, ਸਟਿਮੂਲਸ ਰਿਸਪੋਂਸ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਿਊਰੋਨ ਚ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ, ਇਹ ਨਿਊਰੋਨਸ 1 ਹੈ ਔਰ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨ 2 ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਂ, ਇਹ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਨਿਊਰੋਨਸ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਨਿਊਰੋਨਸ, ਇਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਰੋੜਾਂ ਗੁਣਾ ਵੱਡਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਹੈ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ 100 billion ਨਿਊਰੋਨਸ ਸਾਡੇ ਬ੍ਰੇਨ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਟਾਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟਿਮੂਲਸ ਨਾਲ ਰਿਸਪੋਂਸ ਦੀ ਫਿਕਸੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਈਐਲ ਥੋਰਨਡਾਈਕ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਨਿਊਰੋਨ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਇਹ ਨਿਊਰੋਨ
बिल्ली दे उस लीवर नो टच करने फिक्सेशन हुई है तो वह कहता है एक न्यूरॉन दी दूसरे न्यूरॉन नाल ए फिक्सेशन ब्रेन दे अंदर हो जाती है। मान लो दूसरी एक्टिविटी विच फिक्सेशन साड़ी हुई है, फॉर एग्जाम्पल मैं क्रिकेट खेलता हाँ तो बैट चलाने की कोई फिक्सिंग हुई है, मैं वो लर्न कर रहा है, वो फिर एक न्यूरॉन क्योंकि 100 बिलियन्स न्यूरॉन्स ने वो दूसरा कनेक्शन बन जाता है। मैं बॉल को कैच करता हाँ तीसरा कनेक्शन बन जाता है, मैं ड्राइंग करता हाँ स्केल रख के ए लिखता हाँ बी लिखता हाँ सर्कल बनाता हाँ कनेक्शन टू कनेक्शन थ्री कनेक्शन फोर कनेक्शन फाइव कनेक्शन सिक्स दैट इज वाई जिन्ने कनेक्शन ने उन्नी ही इंटेलिजेंस दियां अबिलिटीज असी डिवेलप करते हाँ अकॉर्डिंग टू ईएल थॉर्नडाइक। सो क्योंकि असी देख के आए हाँ कि क्योंकि असी देख के आए हाँ कि 100 बिलियन जे साडे ब्रेन विच न्यूरॉन्स ने तो इट मीनस उन्ने कनेक्शन शायद उस तो वध क्योंकि इंटर कनेक्शन बन सकते हैं। दैट इज वाई ईएल थॉर्नडाइक ने अपनी थ्योरी नो मल्टीपल फैक्टर पहली थ्योरी ने एक फैक्टर से हुन दो फैक्टर है तो ईएल थॉर्नडाइक ने मल्टी फैक्टर उसनु नाम दे देता। इस इट मीनस कि जिन्निया भी स्पेसिफिक इंटेलिजेंस है थॉर्नडाइक उसके फेवर विच हन लेकिन जी फैक्टर दे फेवर विच नहीं हन। जी फैक्टर उन्हां वल्लों उड़ा दिता गया कि जी फैक्टर है ही नहीं, सिर्फ स्पेसिफिक फैक्टर ही हन वो अनलिमिटेड हन। स्पीयरमैन ने भी उन्होंने अनलिमिटेड कहा है। एग्जाम्पल हो चुकी है कि क्रिकेट ले अनेक कनेक्शन बनते हैं उन्ने न्यूरॉन्स, डिबेट ली मैच ली चैस ली इस तरह जिन्निया भी एक्टिविटीज हैं वो उन्ने ही कनेक्शन बनते हैं, उन्नी ही इंटलैक्चुअल एबिलिटीज या फैक्टर्स उन्ने ही फैक्टर साढ़े ब्रेन के अंदर बनते हैं। एक क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है ईएल थॉर्नडाइक ने टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस दित्तियां तीन तरह दियां। कंक्रीट इंटेलिजेंस, कंक्रीट मीन के तुहानू प्रॉब्लम सॉल्व करने लई ऑब्जेक्ट्स की जरूरत है, ऑब्जेक्ट्स वालियां प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हाँ। दूसरा जिथे ऑब्जेक्ट्स तो बिना तुसी प्रॉब्लम नू सॉल्व करते हाँ माइंड नू यूज करके मेंटल एबिलिटी यूज करके उसनू एब्सट्रैक्ट किया गया है। प्याजे की फोर्थ स्टेज विच ए चीज देखने को मिलती है, प्याजे की थर्ड स्टेज विच कंक्रीट ऑपरेशनल इसे कंपेयर कर सकते हाँ। जिहड़ी तीसरी इंटेलिजेंस दिसदी दैट इज मच इंपॉर्टेंट क्योंकि उसके होर क्वेश्चन भी तुहानू आ सकते हैं। सोशल इंटेलिजेंस की जो असी एक दूसरे के इमोशंस नू समझते हाँ, मैं किसी होर नू हो जा होर कोई मैनू समझता है, जो कोई शख्स दूसरे शख्स नू ज्यादा अंडरस्टैंड करता है उसकी प्रॉब्लम, वो सैड कदों है, वो खुश कदों है, वो किस तरह खुश रहता है, उसका ख्याल किदा रखना है, तो ये बंदे की सोशल इंटेलिजेंस ज्यादा है। ये इतने क्यों इंपॉर्टेंट है क्योंकि इमोशनल इंटेलिजेंस या इमोशनल कॉशन ई क्यू दी रूट जो मेयर ते सॉल्वे ते बाद विच गोलमैन ने उसनु पॉपुलराइज किया। ई क्यू दिया रूट्स जे पूछी जावे एमसीक्यू क्वेश्चन विच ते वो सोशल इंटेलिजेंस के दी थॉर्नडाइक दी थ्योरी दे विच। विनय ने पहली थ्योरी किया जी फैक्टर है एक फैक्टर है, स्पीयरमैन ने कहा जी दे नाल स्पेसिफिक फैक्टर है, और थर्स्टन ने कहा जी नहीं है एस फैक्टर ही है, और इस तो बाद एक नवी थ्योरी पाई जिहड़ी ना कहिंदी छोटा जी है ना ही एस है बल्कि जी वड्डा है ग्रुप फैक्टर है। ठीक इन्हां थ्योरीज नू फिर जे तुसी कहोगे ते फिर मैं थोड़ी स्पेसिफिकेशन नाल इन्हां दा बेस तुहानू समझ आ जाएगा, उस लई वक्खरा वीडियो है वो तुसी देख सकते हो। ग्रुप सैवन ग्रुप उन्होंने थर्स्टन ने 7 ग्रुप आइडेंटिफाई किए ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर एनालिसिस। फैक्टर एनालिसिस शायद नहीं पूछा जाएगा वैसे तो क्वेश्चन, 7 फैक्टर या ग्रुप फैक्टर इसनों क्या जानता है। थर्स्टन ए इन्हों का नाम हो गया 1938 थ्योरी दी गई, वो 7 फैक्टर कहड़े ने वर्ड फ्लुएंसी लैंग्वेज दे नाल थोड़ी वर्बल न्यूमेरिकल नंबर दे नाल इंडक्टिव पर्टिकुलर एग्जाम्पल नो स्टडी करके कंक्लूजन कढ़ना,
मेमोरी कितना जल्दी ज्यादा रिकॉल कर पाते हो, इनफॉरमेशन स्टोर कर पाते हो अपने ब्रेन दे विच, स्पेस रिलेटेड एबिलिटी ड्राइंग विच जिवें हुंदी है, परसेप्चुअल स्पीड कितनी जल्दी किसी चीज का मीनिंग तुसी ब्रेन विच बना लेंदे हो जदों कोई चीज सेंसरी रूप विच देखदे हो। सो ये सत तरह की इंटेलिजेंस इन्होंने दसी है थर्स्टॉन ने। अगे वर्णन की हायरार्की, ए तुसी शेप दे सकते हो, इसनों हायरार्की कहते हैं। हायरार्की दे टॉप ते सिर्फ सिंगल एक एज हुंदा है, उस तो बाद वो नीचे तो फैलती है फैलती है फैलती है, सब तो डाउन ते रूट ते अनलिमिटेड नंबर हुंदे हैं। ठीक, जिवें जिवें नीचे आने हैं उस तरह ग्रुप बढ़ते जाते हैं। मेरी इंटरप्रिटेशन मुताबक वर्णन ने की किया है कि सारिया पिछलियां थ्योरीज असी विनय दी थ्योरी जी फैक्टर गल कीती सी, ओके, उस तो बाद ग्रुप सेवन ग्रुप सीगे इन्हां दे वड्डे वड्डे ब्रॉड ग्रुप एबिलिटीज या ब्रॉड ग्रुप जिसनू कहा है उसनू थर्स्टॉन दे सेवन फैक्टर नाल कंपेयर कर सकते हैं। फिर हर एक फैक्टर दा फॉर एग्जाम्पल अगो होर सब एबिलिटीज बन दिया हैं, वो सब एबिलिटी नू स्पीयरमैन ना मैं तुलना दिता है कि स्पीयरमैन दिया जिहड़ियां सब एबिलिटीज ने जां स्पेसिफिक एबिलिटी दे, हर स्पेसिफिक एबिलिटी दे जो अनगिनत अगे फिक्सेशन एक एक स्टिमुलस रिस्पॉन्स ए नीचे की है सब तो स्टिमुलस रिस्पॉन्स। ठीक है, दैट इज वाई स्टिमुलस रिस्पॉन्स बिहेवियरिज्म दी या पावलोव दी क्लासिकल कंडीशनिंग नो लोएस्ट लेवल ऑफ लर्निंग किया जाता है कि स्टिमुलस ते एक रिस्पॉन्स दे फिक्सेशन हो जानी। सो इस तरह ए वर्नर दी हायरार्की बाकी सारिया थ्योरीज दा लगभग कंबीनेशन विच समझी जा सकती है। जिहड़ा सब तो नीचे वाला लैवल है रिएक्शन वाला लैवल है, किसी एक स्टिमुलस ते असी जो रिस्पॉन्स एक दिने हाँ ते इन्हां दी गिणती अनलिमिटेड है अनलिमिटेड। ठीक है, नेक्स्ट है गिलफोर्ड दी एसओआई थ्योरी। एसओआई थ्योरी फैक्टर थ्योरी तो सब तो वध वैलिड मनी जांदी सी गिलफोर्ड, ओके। इन्होंने की किया है एक क्यूब नू यूज करके साड़ियां एबिलिटीज ते सब एबिलिटीज दे इंटरैक्शन नू किसे काम नू जिद्दां सत काम पिछे मैथ्स डिबेट क्रिकेट असी लिख के आए सी, ओ कोई भी काम कोई करना है तो वह कहते हैं कदे आ एबिलिटी किसे लिए चाहिदी है किसे लिए ए चाहिदी है किसे लिए ए, अलग अलग नहीं ए एदे नाल मिलके एक फैक्टर एक ब्लॉक बनेगा। ठीक है, इस डिटेल विच दूसरे वीडियो समझ सकते हैं, बड़ी इंटरेस्टिंग थ्योरी है। लेकिन जेड़ी गल इत्थे मैं दसनी है वो की है कि जो पहली थ्योरी आई सी पहले ते इसके किनिया डायमेंशन है, डायमेंशन एक है कंटेंट, डायमेंशन दो है प्रोडक्ट्स, डायमेंशन तीन है ऑपरेशन। इसनों उसे तरह समझ सकते हैं इनपुट प्रोसेस आउटपुट, जिस तरह एक गन्ना वेलन रस पीने हाँ तो गन्ना उसके विच पाया जाता है प्रोसेस होती है फिर रस आउटपुट निकल आती है। इतने एक एलीमेंट ए ब्लॉक च है एक या दो एक एलीमेंट इसका भी होगा एक एलीमेंट इसका होगा एक एलीमेंट इसका मिलके एक फैक्टर बनेगा। सो इन सारिया के कंबीनेशन नाल पहली थ्योरी जो आई सी उहदे विच सिर्फ ए सेंसरी फैक्टर सी ए मैं दस देवा ए इकट्ठे फैक्टर सी और इधरों ए डाइवर्जेंट नीचे रह गया हाँ ए एक फैक्टर सी। ठीक, एक दो तीन चार चार ए फैक्टर सी, एक दो तीन चार पांच छे ए फैक्टर सी और ऑपरेशन दे पांच फैक्टर। जे इन्हां नूं गुणा करिए चार गुणा छे गुणा सॉरी गुणा पांच तां ए 120 फैक्टर बन गए। पर अगली जो ए थ्योरी रिवाइज हुई ते ऑडिटरी ते विजुअल अलग अलग फैक्टर कर दिते गए। ठीक है, जिस नाल ए इत्थे पांच गुणा हो गए ते ए फैक्टर किन्ने हो गए 150। लेटेस्ट थ्योरी दे विच डाइवर्जेंट ते कन्वर्जेंट नूं फिर अलग अलग कर दिता गया, पहले दे विच मैं कहा ए कल्ले सी फिर अलग कर दिता गया ते फिर इत्थे हो गए 6। तो लेटेस्ट थ्योरी विच 180 फैक्टर कहे जांदे हन। एक क्वेश्चन आ सकता है इन्हां चो कोई ऑप्शन जे आवे वो सही है 120 भी 150 भी 180 भी, लेकिन मोस्टली 150
ऑप्शन विच पाया जाता है कि ए राइट आंसर। सो असी क्वेश्चन ते वापस आ गए हैं, विच ऑफ द थ्योरीज इंटेलिजेंस एडवोकेट प्रेजेंस ऑफ जनरल जी एंड एस फैक्टर। ठीक आंसर कितना है, हाँ अनार्किक थ्योरी, थॉर्नडाइक थ्योरी नू जब मल्टी फैक्टर थ्योरी उसनू कहा जाता है। ए नाम भी याद रखने जरूरी है, बाकी क्वेश्चन तुहानू क्लियर है कि स्पीयरमैन टू फैक्टर थ्योरी टू असीं पिछे कर रहे हैं।